السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم من أزواجكم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا برادران الإسلام ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت کریمہ کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ الیوم آج اکملتو میں نے مکمل کر دیا لکم لیے تمہارے دینکم تمہارا دین واتممتو اور میں نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت ورضیتو اور میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینا بطور دین اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. دینی طور پر بہت ہی زیادہ افسوسناک بہت ہی زیادہ نقصان دہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات کہ اس ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو بہت سارے ایسے کاموں کے اندر منہمک ہیں کہ جن سے شریعت مکمل طور پر بیزار ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ کثیر تعداد
वो सारे काम बड़ी तनदही से, खुशू खुजू से, जौक और शौक से, अपनी तरफ से नेक नियति के साथ वो सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। और वो उन सारे कामों को इबादत समझकर, खैर और भलाई के काम समझकर, सवाब का काम समझकर सर अंजाम दे रहे हैं। अगर कुरान और सुन्नत का मुताला किया जाए, तहकीक की जाए, तो पता चलता है कि ये इबादत नहीं बिदत है, ये सवाब का काम नहीं अदाब का काम है, तो फिर तो बहुत खतरे वाली बात। और उन साथियों के लिए, भाइयों के लिए ऐसा नहीं कि उन्हें समझ नहीं आती, ऐसा नहीं कि ये को बहुत पेचीदा मसाइल हैं, ये गुत्थियां सुलझाई नहीं जा सकती या कोई भूल भुलैया हैं, ऐसा नहीं है। हां, अगर कोई समझना ना चाहता हो, मैं ना मानू की रट लगाए, तो फिर तो सीधी बात है, किसी के पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से, दयानतदारी से, खुलूस से, नियत से अगर समझना चाहे कि मेरे अमाल बर्बाद ना हो जाएं, मेरी आहरत खराब ना हो जाए, तो फिर मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत के अंदर ऐसे बहुत सारे दलायल हैं कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा, बल्कि अनपढ़ बंदा जो एक जमात नहीं पढ़ा हुआ, अगर अपने दिल की आंखें खोल के, तासुब की ऐनक उतार के, तासुब की पट्टी उतार के, अगर वो ईमानदारी से वो बातें सुने, तो उसका दिल पुकार उठेगा, दिल गवाही देगा, और वो मुंह से पुकार उठेगा कि बस करें, बात समझ आ गई, इतना ही काफी है। लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद अगर बात ना बने, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर फिक्र वाली बात है, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, बहुत फिक्र वाली बात। आज इस नशिस्त के अंदर उसी कुरान और सुन्नत से चंद उसूल बयान करेंगे कि जो बात समझने के लिए बहुत काफी है, अगर कोई समझना चाहता हो। बात शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हक बात समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तीन बातें अभी आपके सामने पेश करूंगा, अगर हो सके तो थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो ये बातें याद हो जाएंगी। अगर मिनवान बातें याद नहीं रहती तो कुछ मफहूम जो है वो कम अज कम जेन में, या जो उसकी हेडिंग है सिर्फ अनुमान जेन में रखें, तो इससे भी मसला हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहली असूली बात ये जेन में रखें आप, और इसे पल्ले बांध रहे, सारी जिंदगी काम देगी आप, किसी को समझाना भी आसान होगा आपके लिए, और बात सुन के अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। मेरे मुखातिब छोटे बच्चे होते हैं, मैं उन छोटे बच्चों को कहता हूं, बेटा कौन कौन ये बात जो मैं आपके सामने सुना रहा हूं पांच बंदों को सुनाएगा? वो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, तो मैं कहता हूं पांच बंदों से मुराद ये नहीं कि जापान वाले, चीन वाले, स्पेन वाले, भाई अपनी अम्मी है, अपने अबू है, अपना बड़ा भाई है, कोई दोस्त है, गली मोहल्ले का कौन सा है, पांच बंदों तक ये बात पहुंचानी है आपने। बच्चे आगे से हाथ खड़ा करते हैं, खुशी होती। तो मेरे भाई, वो बात अपने तक महदूद रखनी, आगे ना पहुंचानी, ये इसी तरह जैसे किसी के पास जबरदस्त किस्म की खुशबू हो, बहुत कीमती, लाखों रुपए तोला वाली, और वो उस शीशी का ढक्कन जोर से बंद करके तू पेटी में बंद कर या जेब में रखे सारी जिंदगी, उसका कोई फायदा नहीं किसी को। तो बात अपने तक नहीं, बात फैलनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल से उनकी दुआ लेनी चाहिए। तो सबसे पहला आप असूल ये याद रखें, नंबर एक,
कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन। सबसे पहली बात यह याद रखनी है आपने कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन। इस्लाम की खसूसियत में से एक बड़ी अहम खसूसियत यह है कि यह एक मुकम्मल दीन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करें, पैदा होने वाले दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक अगर सजदे में पड़े रहें तो इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी नेमत। बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अगर ये दीन मुकम्मल ना होता, अगर इसे अधूरा छोड़ दिया जाता तो हर शख्स जो चाहता इसका हुलिया बगाड़ के रख देता, ये खिलौना बन के रह जाता, जो चाहता अपनी मर्जी शामिल कर लेता। ये दीन एक मोम की नाक होता, जो चाहता जिधर मर्जी मोड़ लेता। दीन मुकम्मल होने के बावजूद ये हाल है। अल्लाह ना करे अगर दीन मुकम्मल ना होता तो फिर क्या बनता। इसकी अहमियत का अंदाजा काश कभी उम्मत को लग जाए। बुखारी मुस्लिम की उस हदीस से लगाया जा सकता है इसका अंदाजा कि यह कितनी बड़ी नेमत। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला के दौरे हुकूमत में एक यहूदी आलम दीन उमर रजी अल्लाह के पास आया। आके कहता अमीरुल मोमिनीन, कुरान करीम में एक ऐसी आयत करीमा है, अगर ये हम यहूदियों की जमात पर नाजल होती। ये कौन कह रहा है? यहूदी कह रहा है। कुरान करीम में एक ऐसी आयत करीमा है, अगर हम यहूदियों की जमात पर नाजल होती हम उसके नजूल के दिन को बतौर ईद मनाते। उमर रज़ी ने पूछा कि वो कौन सी आयत है। उस यहूदी आलम दीन ने पूरे कुरान में से कौन सी आयत पढ़ी। कहने लगा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कहते हैं कि जिस दिन ये आयत करीमा नाजल हुई, कहते हैं वो ईद का दिन ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में मौजूद थे, जुमे वाला दिन था जिस दिन यह आयत करीमा नाजल हुई। तो मेरे भाइयों, जरा थोड़ी देर के लिए गौर तो करें भला कि उस यहूदी आलम दीन ने क्यों कहा कि अगर ये आयत करीमा हम यहूदियों पर नाजल होती तो हम इसके नजूल के दिन को बतौर ईद मनाते, इतनी खुशी करते जैसे ईद वाला दिन होती। क्यों कहा? इसलिए कि वो यहूदी आलिम वो दीन के मुकम्मल होने की नेमत को जानता था। वो जानता था कि दीन मुकम्मल होना कितनी बड़ी नेमत। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज बहुत सारे मुसलमान इस बात से गाफिल हैं। जो बात उस यहूदी आलिम की समझ में आ गई, बहुत सारे मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, पहले ये याद रखें, मैं चूंकि बच्चों से मुखातब हर रोज होता हूं, बल्कि हर वक्त होता हूं, तो मैं जरा वो आदत पड़ी हुई है 1 2 3, तो बुरा महसूस ना कीजिएगा। तो पहली बात, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। दूसरी बात, पहली बात ये जहनशीन कर लें, दूसरी बात ये जहनशीन कर लें कि प्यारे पैगंबर इस्लाम ने हर खैर का हुक्म दे दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर का हुक्म दे दिया था। ये बात पक्की पल्ले बांध लेनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरकतु शैया युकर्रिबुकुम इलल्लाह वयुबीदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बिह। मा तरकतु शैया युकर्रिबुकुम इलल्लाह वयुबीदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बिह। और फिर साथ फरमाया कि वमा तरकतु शैया युकर्रिबुकुम इलन नार वयुबीदुकुम मिनल्लाह इल्ला मन है तुकुम अन। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी
कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि युकर्रिबुकुम इलल्लाह जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, वयुबिदुकुम अनिन्नार जो तुम्हें आग से दूर कर दे, इल्ला अमरतुकुम बिह मगर मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया। वमा तरकतु शैया और मैंने कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी कि युकर्रिबुकुम इलन्नार जो तुम्हें आग के करीब कर दे, वयुबिदुकुम अनिल्लाह जो अल्लाह से दूर कर दे मगर मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खैर और भलाई के काम का हुक्म दे दिया था और प्यारे पैगंबर इस्लाम ने हर बुरे काम से मना कर दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, कोई काम उस वक्त तक खैर और भलाई का नहीं हो सकता जब तक प्यारे पैगंबर इस्लाम का हुक्म या तरगीब मौजूद ना हो, और कोई काम उस वक्त तक शर का नहीं हो सकता जब तक प्यारे पैगंबर इस्लाम का उस पर हुक्म ना मौजूद हो, उसके मुतलक बयान ना हो प्यारे पैगंबर। इसलिए जो शख्स अल्लाह अकबर दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई किसी काम को नेकी का हुक्म या खैर का काम कहता है, उस बंदे को बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। किस बात की? कि वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो ये समझता है कि माज अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पैगाम नहीं पहुंचाया, ये नेकी का काम रह गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम और उनके जो अव्वली मानने वाले थे ये उनसे काम रह गया है। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने रिसालत का हक अदा नहीं किया, ये बड़ी फिक्र वाली बात। बल्कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स दीन के अंदर कोई नया काम इजाद करे और समझे कि ये अच्छाई का काम है, ये नेकी का काम है, फकद जामा अन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, कहते हैं वो ये समझता है कि प्यारे पैगंबर इस्लाम ने माज अल्लाह रसालत में खयानत की थी। इकरहु कौल अल्लाह ताला अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कहते हैं पढ़ लो ये अल्लाह का कलाम कि दीन मुकम्मल हो गया। और साथ कहते हैं कि जिस चीज से पहले लोगों की इस्लाह हुई थी बाद वालों की इस्लाह भी उसी से होगी, और साथ कहते हैं जो काम उस वक्त दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं हो सकता। इतना अजीम ज़ाब्ता बयान कर दिया, इतनी अजीम बात बयान कर दी इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने कि जो काम उस वक्त दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं हो सकता। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह कर गए और जाके कहते हैं कि मैंने अभी अभी मस्जिद में एक ऐसी चीज देखी है कि मैं उसे है तो खैर का काम लेकिन मैं उसे अच्छा नहीं समझता। कहते क्या देखा? कहते हैं अभी आप मस्जिद में जाएंगे आप भी देख लेंगे। कहते हैं कि मस्जिद के कुछ लोग नमाज के इंतजार में बैठे हैं, हल्के बना के ग्रुप छोटी छोटी टोलियां, उनके आगे कंकरियां पड़ी हुई जिस तरह लोग गुठलियां पड़ते हैं, चने के दाने कंकरियां पड़ी हुई। कहते हैं एक बंदा उनमें से कहता है 100 मरतबा बोलो, गिन रहे हैं तस्बीहात शुमार कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो 100-100 कंकरियां आगे शुमार कर रहे हैं गिन रहे हैं। फिर वो कहता 100 मरतबा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो 100 मरतबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो कहता 100 मरतबा पढ़ो सुभान अल्लाह, वो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कंकरियां गिन रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहती है कि आपने उन्हें कुछ नहीं कहा? कहते हैं मैंने
आपके इंतजार में उन्हें कुछ नहीं कहा। कहते तुम उन्हें कहते कि अपनी बुराइयां शुमार करो, गुस्से में मस्जिद में पहुंचे और पहुंच के कहते हैं उन टोलियों में से एक टोली के पास, कहते क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं अबू अब्दुर्रहमान हम तस्बीहात शुमार कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सौ सौ मरतबा। कहने लगे तुम अपनी बुराइयां शुमार करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह जाया नहीं करेगा। और साथ कहते हैं कि वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर, इतनी जल्दी हलाकत की तरफ चल दिए। अभी तो प्यारे पैगंबर इस्लाम के बकसरत सहाबा मौजूद हैं, अभी तो प्यारे पैगंबर इस्लाम के कपड़े पोसीदा नहीं हुए, अभी तो प्यारे पैगंबर इस्लाम के बर्तन नहीं टूटे, अभी से तुम हलाकत की तरफ चल दिए। और साथ ही कहते हैं कि बल्लजी नफसी भी यदि, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कहते हैं अगर तुम ये समझते हो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर तर्ज अमल पर हो, बेहतर तरीके पर हो, या तुम गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। अल्लाह अकबर, क्या पढ़ रहे थे? सुभान अल्लाह, क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह अकबर, क्या पढ़ रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब्दुल्ला बिन मसूद क्या फरमा रहे हैं कि या तुम गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। अल्लाह अकबर, आप और मैं होते तो क्या कहते? ओ चलो छोड़ो जी, कोई नेकी का काम ही कर देना भाई, कोई माजल्ला गाने तो नहीं ना बोल दे, जिक्र ही कर देना भाई, छड़िया करो। ये नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सरजनश की, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ये इसलिए नहीं किए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर पढ़ रहे, सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, वो इसलिए उन्होंने किए कि ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबा रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन दाएं हाथ की उंगलियों पर तस्बीहात करते थे, कंकरियों पर नहीं करते थे, और कलेक्टिवली नहीं करते थे, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर। इसलिए उन्होंने ये अल्फाज कहे कि क्या तुम समझते हो कि तुम रसूलुल्लाह से बेहतर तरीके पर हो, या गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। ये जो लोग ये कहते हैं कि चलो कोई नेकी का काम ही कर देना भाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ भाई? बात ये नहीं, बात ये है कि तो फिर जब ये कहना कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, हमें तकलीफ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं, प्यारे पैगंबर इस्लाम के तरीके के मुताबिक नहीं। तीसरी बात, पहली मैंने कही कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, दूसरी मैंने कही कि प्यारे पैगंबर इस्लाम ने खैर खैर का हुक्म दे दिया था, तीसरी बात यह याद रखें, तीसरी बात यह याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा परहेजगार और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले इबादतगुजार थे। ये बात पक्की जेहन में बैठा, इसका मतलब यह हुआ कि किसी बंदे को दीन के अंदर कोई नई बात याद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादतगुजार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि चंद साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाए और आके उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत करते। हदीस में आता है कि उन्होंने उसे कम जाना, हदीस में आता है उन्होंने उसे कम जाना, क्या मतलब? मतलब यह कि वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहां उनके बराबर हो सकते हैं, उनकी तो अल्लाह ने अगली पिछले लक्षणें माफ कर दी हैं। उनका ख्याल यह था कि हमें उनसे ज्यादा करना चाहिए,
अल्लाह अकबर। नीयत नेक थी कि नहीं, जज्बा नेक था कि नहीं, उनसे बढ़कर किसी के अंदर इखलास हो सकता है? हमें ज्यादा करना चाहिए। उनमें से एक साथी ने कहा कि आज के बाद सोऊंगा नहीं, आज के बाद सोऊंगा नहीं, अल्लाह अकबर, यानी सारी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा कि आज के बाद हर रोज रोजा रखूंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि शादी नहीं करूंगा, औरतों से अलग रहूंगा। क्या मतलब था उनका? मतलब यह कि वो समझते थे कि शादी, बाल बच्चा, ये जंजालदारी है, ये बंदे को इतना टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम सर्व करना पड़ता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम करूं, ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारूं, ज्यादा वक्त मेरा इबादत में लगे। ये तीनों काम नेकी के थे कि नहीं? अगर मैं और आप होते, अगर आपसे और मुझसे उनके मुतालिक बताया जाता तो हम कहते कि बिंदा बहुत बड़े वली अल्लाह, इतनी बात। वो कहते मैं रात को सोऊंगा नहीं, वो कहते मैं हर रोज रोजा रखूंगा, वो कहते मैं शादी नहीं करूंगा, इतने बड़े। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चला प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उनके पास गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हें तो उम्मीद होगी कि शाबाशी मिलेगी, उन्हें तो उम्मीद होगी कि वेल डन कहेंगे, एक्सीलेंट भाई, बहुत अच्छे भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उनकी ये बातें सुनकर? फरमाया कि अंतुम अल्लज़ीना कुलतुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम लोग हो जिन्होंने ये बातें की हैं? उनके तो पांव तले जमीन निकल गई होगी कि ये क्या बना, हमने तो सोचा था कि शाबाश मिलेगी, बड़ा नेकी का काम है। तो प्यारे पैगंबर इस्लाम क्या कह रहे हैं? फरमाया अल्लाह की कसम, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, तुम सबसे ज्यादा परहेजगार हूं, तुम सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हूं। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया लेकिन मैं सोता भी हूं और जागता भी हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, मैं रोजा रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं, वातजवजुन निसा, और मैंने औरतों से शादी भी कर रखी है। फमर रगीबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा प्यारे पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरा उससे कोई तलक नहीं। भाई वो तो बात कहां की कहां चलेगी, वो तो फिर इस कदर परेशान होंगे कि ये क्या बना कि प्यारे पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा। तो मेरे भाई, सबसे पहले मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने अपनी हसीयत वाजे की कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे ज्यादा इबादत गुजार। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना तरीका कर बताया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरे तरीके पर नहीं उसका मुझसे कोई तलक। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीनों असूल अगर कोई मोहब्बत से, प्यार से समझ जाए, आसानी से समझ जाए, किसी की समझ में ये बातें आ जाएं, तो उसके लिए मवाजना करना, उसके लिए किसी बात को चेक करना कि ये इबादत के बिदत है, ये दीन के अंदर नया काम है कि कुरान और सुन्नत के अंदर ये बात दर्ज है कि नहीं, म्यार क्या है, ये बड़ी आसानी है उसके लिए। हां, ये बात कहना कि जनाब आपको क्या तकलीफ है, चलो कोई नेकी का काम ही कर देना, कुछ जिक्र जिक्री कर देना, कुरान ही पढ़ देना, कुछ रोजे रख देना, ये कहना कि आपको क्या तकलीफ है? हां, हमें तकलीफ है भाई, हमें तकलीफ यह है कि हम उन भाइयों के खैर खा हैं, हमें यह तकलीफ है कि हम उन भाइयों का नुकसान नहीं चाहते, हमें तकलीफ है कि हम उन भाइयों का ये आहरत खराब नहीं होनी देखना चाहते, हमें यह तकलीफ है कि हम उनके अमाल की बर्बादी नहीं चाहते। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लम के पास बैठे थे, प्यारे पैगंबर इस्लाम पर अचानक ऊंग तारी हुई, ऊंग तारी हुई, प्यारे पैगंबर इस्लाम ने मेरी तरफ देखे, यूं सर ऐसे झुका लिया ऊंग की वजह से, फिर प्यारे पैगंबर इस्लाम ने अचानक सर उठाया तो मुस्कुराना शुरू कर दी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों मुस्कुराए? अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम ने, अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई, अभी अभी
मुझ पर एक सूरत नाजल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौफर फसलिर रब्बी का वनहर इन नशानिया का हुआ लबतर। प्यारे पैगंबर इस्लाम में अभी अभी नाजल हुई। सहाबा से पूछा कि सहाबा रिजवानुल्लाह ही नहीं मजमाइन, जानते हो ये अल कौसर क्या है? जानते हो अल कौसर क्या है? सहाबा ने क्या, अल्लाह और उसके रसूल सलसम बेहतर जानते हैं। अल्लाह अकबर, कमाल अदब है भाई, अल्लाह और उसका रसूल सलसम बेहतर जानते हैं। अल्लाह आलम व रसूल आलम। जब ये बात कही तो मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम में कि ये अल कौसर ये एक नहर है, जन्नत के अंदर एक नहर है। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे कि ये बनस्पति की है, ये वहां होटल है उसका नाम ये है, जेलम के पास। किसी मैच के मुतालिक पूछ लें तो सारा डाटा, अगर कोई दीन की बात पूछ लें तो गुंग, बहुत ज्यादा काम खराब। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने मैं कि ये कौसर एक नहर है, हौज है, ये अल्लाह सुभान तआला ने मुझे अता किया, इस पर खैर कसीर मौजूद है, मेरी उम्मत के लोग आएंगे। अल्लाह अकबर। ये जो हम कहते हैं ना कि या अल्लाह रसूलुल्लाह के साथ हाथों हमें हौजे कौसर का जाम नसीब फरमाना, आमीन कह दें। अल्लाह आपको और मुझे नसीब फरमाए, ये वही हौजे कौसर। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने मैं मेरी उम्मत के लोग आएंगे। अच्छा जी, वहां से जब पानी पियेंगे तो कितने बर्तन होंगे, कितने गिलास प्याले, दो चार दस सौ कितने होंगे? प्यारे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि उस हौज पर बर्तनों की तादाद इतनी है जितनी आसमान पर सितारों की, इतनी तादाद है बर्तनों। और सेटिस्फेक्शन का ये हाल है, उसकी शफाफियत का ये हाल है, बगैर किसी वायरस के इतना शफाफ पानी, इतना जबरदस्त मीठा पानी। प्यारे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि दूर से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। और फरमाया कि जो एक मर्तबा पी लेगा सारी जिंदगी प्यास नहीं लगेगी। इतना जबरदस्त पानी होगा भाई। और उस नहर के मुतालिक ये देखते हैं आप, पट्टी ये सियालकोट की तरफ जो कंगनी वाला बाईपास से जाती है, आगे जो कॉलोनियां आती हैं, तो उन्होंने अपने अपने ब्रिज बनाए हुए हैं और साथ टैलें लगाई हुई हैं ना साइडों पे, कितना खूबसूरत मंजर लगता है। लाइटें रात को जलती हैं, देखने वाले गुजरने वाले अश अश करते हैं कि कितना खूबसूरत मंजर है भाई, नहर पानी कितना जबरदस्त मंजर पेश कर रहा है। क्या वजह? वजह यह कि सफाई है, साथ टाइलें लगी हुई हैं, लाइट लगी हुई है, बस। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने उस नहर के मुतालिक फरमाया कि उसके दोनों किनारे पे जो टाइलें लगी हैं, अल्लाह अकबर, वो सारी की सारी गोल्ड प्लेटेड, सारी की सारी सोने की, सोना लगा हुआ है सारा दोनों तरफ। और प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया इस नहर की तो पल सफाई करनी पड़ती है ना, ईंट रोड़े पत्थर गारा मट्टी, इसकी तो ये सूरत हाल है ना। तो मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया उसके जो बहने के रास्ते हैं ना, उसके अंदर याकूत और मोती। अल्लाह अकबर। अब गौर करें, जब इतना शफाफ पानी होगा, सोने का काम इतना ज्यादा सोना लगा हुआ होगा, और दरमियान में उसके याकूत और मोती जमुर्द, इतने इतने कीमती मोती पड़े होंगे, जैसे यहां रोड़े पड़े होते हैं, इस तरह सारे सारे पड़े हैं। और मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने मैं उसकी मट्टी की जो खुशबू है कस्तूरी से ज्यादा है। ये सारी बातें मैंने इसलिए बयान की कि पता चले कि जो साथी कहते हैं जो छोड़ो जी कोई नहीं गल, नेकी का काम ही कर देना, फिर क्या होया, करन दो, तुहाडा की लेंदे, आपको क्या तकलीफ है भाई? हमें तकलीफ है। किस बात की तकलीफ? इस बात की तकलीफ है कि जो दीन के अंदर नया काम ईजाद करेगा, नई बिदत ईजाद, कोई नई बात ईजाद करेगा, बिदत का मुर्तकिब होगा, ये खतरे वाली बात है भाई, बहुत खतरे वाली बात। प्यारे पैगंबर इस्लाम फरमाया कि उस पर मेरी उम्मत के लोग आएंगे। रसूलुल्लाह ने कहा कुछ लोगों को फरिश्ते पीछे धकेल रहे होंगे, पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, चलो दहा जाओ। अल्लाह अकबर।
प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं कहूंगा कि फरिश्तों ये तो मेरे उम्मती हैं, इन्हें क्यों पीछे धकेल रहे हो। अल्लाह अकबर, फरिश्ते क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ऐ मेरे पैगंबर इस्लाम आप नहीं जानते। क्या जवाब देंगे, ऐ मेरे पैगंबर इस्लाम आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके जाने के बाद दीन के अंदर कौन कौन सी नई बातें याद कर ली थी। ईमानदारी से बताएं, नबी सब खुश होंगे कि नाराज होंगे, करीब बुलाएंगे कि दूर करेंगे, खुश हमदीद कहेंगे कि दुदकार देंगे, भाई ये तकलीफ है, भाई ये मसला है, भाई इससे बड़ी को खैर खाई हो सकती है। कि अल्लाह ना करे कि वो हौजे कौसर से महरूम रह जाएं, इससे बड़ी भी को खैर खाई हो सकती है। कि जो वक्त से पहले बताया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ी महरूमी होगी, बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाओगे, ना करो इस तरह। लेकिन ये तो भाई वो मानेगा ना कि जिसके अंदर कोई, जिसने कोई तासुब की ऐनक नहीं पहनी, जिसने अपने ये अंदर का बर्तन साफ रखा हुआ है, सीधा पड़ा हुआ है, ऊंधा नहीं हो गया, भाई ये तो वो करेगा ना, वो तो शुक्रिया अदा करेगा, वो बुरा भला नहीं कहेगा, तो कहे जनाब आपका बहुत शुक्रिया, मेरी बात समझ आ गई, बात समझ आ गई मेरी। तो जो समझना चाहे उसके लिए इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने तीन उसूल बयान किए हैं। बहुत सारे दलायल उलमाए दीन ने, बुजुर्गों ने, जिनकी मिन्नतों का फल हम खा रहे हैं आज, अल्लाह सुबहान तआला उनकी काविशों को शर्बे कबूलियत अदा फरमाए। बहुत सारे दलायल, बहुत सारे, अफसोस सद अफसोस कि आज मुसलमान उससे गाफिल हैं। अल्लाह सुबहान तआला समझ नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। ابھی مسجد میں داخل ہوا تو ایک بھائی نے اپنی بیماری کا ذکر کیا, آپ سے دعا کی درخواست کی ہے। एक भाई ने कर्जे के लिए कहा है कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह कर्जे वालों को अल्लाह रिहाई नसीब फरमा दे कर्जे से, अल्लाह कर्जे की मौत ना मारे। और भी जितने साथी बैठे हैं इनमें से जो बीमार है या इनके घर वालों से बीमार है, अल्लाह अल्लाह शिफाए कामला ता फरमा दे, ऐ परवरदिगार शिफाए कामला ता फरमा दे। अल्लाह जिन पे कर्जे हैं अपनी रहमत से चुका दे। या अल्लाह जो किसी भी तौर पर परेशान है, अल्लाह सब की परेशानियों का मदावा फरमा दे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। अल्लाह हम जानते हैं जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे हाथों की कमाई है, जो कुछ देख रहे हैं हमारे हाथों का किया दर है। अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह माफी दे दे। अल्लाह जो कुछ हो चुका, जहालत में हो चुका, नसमझी में हो चुका, अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दे। अल्लाह हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा दे जिसके लिए तूने और तेरे पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया। अल्लाह हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा दे जिसे तूने और तेरे पैगंबर इस्लाम ने बचने का हुक्म दिया। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा दे, अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह सुकून अता फरमा दे, अमन चैन अता फरमा दे। ए अल्लाह मुसलमान दुनिया के किसी कोने में भी तकलीफ में है, अल्लाह उसकी तकलीफ रफा फरमा दे। इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।